नहीं करते हैं, बहुत हो गई बच्चे हो दी राम राम चाहिए आप सब लोग सहयोग दें। गाइज गुड मॉर्निंग यार, राम राम जी, फिर आ गया तुम्हारा भाई एक न्यू ब्लॉग लेके। पहले आप लोग एक बताओ, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो ना, अच्छे रहना चाहिए हमेशा, ये हमारी दुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग इतना अच्छा प्यार दे रहे हो मुझे, थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब फैमिली, लव यू। तो गाइज आज का हमारा ब्लॉग है, इटावा में हो रहा है शादी सम्मेलन, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखूँगा कौन सी जोड़ी बेस्ट है, उनकी वीडियो शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसे होता है शादी सम्मेलन। तो मेरे इटावा में जो विधायक जी हैं सरता भदौरिया जी, उनकी तरफ से शादी सम्मेलन रखा गया है और इटावा में जीआईसी मैदान में हो रहा है ये। तो मैं अभी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। और समझ रहे हो ना, ये शादी सम्मेलन का मतलब ये होता है कि गरीब लोग होते हैं, जो गरीब फैमिली के होते हैं, दो पार्टी के गरीब होती हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी बेटी या अपने लड़के की शादी कर ले। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से शादी सम्मेलन रखा जाता है, तो ये रखा गया है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, और इसके पूरी तैयारी करवाई है सरता भदौरिया जी ने, जो इटावा के विधायक हैं इस टाइम। तो गाइज चलते हैं ब्लॉग की तरफ, आपको दिखाते हैं, और वीडियो को करियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ये ब्लॉग कॉमेडी नहीं होगा, ये सिर्फ ओनली आपको सम्मेलन दिखाने के ऊपर है, तो आप लोग नाराज मत होइयो और अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। और तुम्हारे भाई को कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, समझ रहे हो ना। तो हम लोग चलते हैं, आप जल्दी से लेट नहीं करते हैं, बहुत हो गई बच्चे हो दी राम राम जी। सभी जोड़े ग्रंथि बंधन, हेलो ग्रंथि बंधन करवाए, हेलो चंद्रमा देवता है जो में होगा स्वाहा। चैनल पर वीडियो अपलोड कर दो, सभी आचार्य जोड़ों को भजन छोड़ दें। ओम चित्तम परम चेति परमेश्वर ऋषि देवता जो देव स्वाहा। ओम ताभ्य देव्या दर्शा शिक्षिणे तदा स्वाहा। ओम ताभ्य इदम् प्रजापतीन्द्राय सुवीर्ता स्वाहा। ओम वायु तमास्त्र क्षत्रे श्यामा उद्दिश्या अवरोधायास्मि अस्मि देवी देव्या वशिष्ठस्या अवरोधायास्मि कर्मणाश्या देवहूता नाकुं स्वाहा। इदम् सूर्याय इदम् नमः। अब देख सकते हो यहाँ पर परिक्रमा अग्रियम बधू, जिसमें चार परिक्रमाएं
अग्नि की होगी जिसमें बधु आगे रहेगी, अग्रे बधु तत्पश्चात बरा। अग्रे बधु रहेगी तत्पश्चात बरा, चार परिक्रमा। अग्रे बधु आगे बधु रहेगी तत्पश्चात बरा, पीछे से भर रहेगा। ओम हरि ओम मह स्वस्ति इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति नोगा अग्रे मधु ओम स्वस्ति नारक्षो वरिष्ठ नेमि स्वस्ति। तीसरी फिर अपने यथास्थान पहुंचिए। ओम मंगलम वस्तु हो चतुर्थे चौथे में फिर अग्रे मधु ओम हरि ओम मह सहस्र शीर्घा वरका संचय पृथ्वी विष्णु साक्षी का किसने बोला? पहला वचन मांगा गया, पार्वती जी ने पहला वचन मांगा, सुख और दुख और दरिद्रता में और धन की हालत में आप हमने इन समयों में अभी बाकी है कुछ बोले क्या ये सभी लोग सभी जोड़े जो परिजन है वो बैठ जाए, आप लोग ना खड़े रहें। जो परिजन है वो सब लोग वही बैठे रहे, वो लोग क्यों खड़े हो गए हैं? जो उनके साथ जो परिजन है यहाँ से पूरा दिखना चाहिए, आप सब लोग सहयोग दें। अब ग्रंथिवंतर हो गया, अग्रिम परा चौथी के बाद पंचम में अग्रिम परा आई है, आगे पर होगा पीछे से मधु होगी, अग्रियम परा तत्पश्चात बधु। हरि ओम मह ओम स्वस्तिर इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्तिर भूखा विश्वमे घूम के आइए स्वस्तिर स्थारक्षो वरिष्ठ नेमि स्वकिरो अपने यथास्थान खड़े हो जाइए। फिर चलिए अष्टम शंकर जी ने कहा इसके विष्णु साक्षी करण दूर कहते हैं तथास्तु, पहला वचन शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। फिर जब तीर्थ करेंगे जा करके यज्ञ करेंगे हवन कराएंगे इसमें वामांगनी होती है, पार्वती जी कहती है कि अर्धांगिनी होकर ही कराना होगा और वृद्धावस्था। पार्वती जी कहती है महाराज जी इन तीनों अवस्थाओं में अगर हमसे आप एक सी प्रीति रखेंगे तो मैं आपके भामांग में आऊंगा और वृद्धावस्था। पार्वती जी कहती है महाराज जी इन तीनों अवस्थाओं में अगर हमसे आप एक सी प्रीति रखेंगे तो मैं आपके भामांग में आऊंगा। विष्णु साक्षी का बोली बाल अवस्था से लेकर के मनुष्य के जीवन की। Hey guys, ये हो गया यहाँ पर हमारा ब्लॉग खत्म। इतना ही था, इसमें सिर्फ जोड़ियों की या मैंने वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, तो बस इतना ही ब्लॉग था। ये ब्लॉग ज़्यादा कॉमेडी नहीं था, तो इस ब्लॉग को कर दियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।